हमारे साथ कैबिनेट मंत्री और मसूरी से विधायक गणेश जोशी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर किस तरीके से आश्वस्त है भाजपा। सर, क्या लगता है इस बार 60 पार का नारा पूरा हो पाएगा? जो दृश्य आपने दिख रहा होगा आपको, ये एक वार्ड की छोटी सी जनसभा थी जो कल रात को ही हमने इनको कहा था। जिस प्रकार से माताएं, बहनें, पुरुष अनेक, आम नागरिक, यहाँ के व्यापारी साथी इसलिए खराब मौसम के बावजूद यहाँ पर आए, ये इस बात का प्रतीक है कि आने वाला सवेरा भारतीय जनता पार्टी का है। 2022 में 60+ युवा नेतृत्व का नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया वो साकार होगा और उसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा से होगी, ये संदेश मेरे क्षेत्र की जनता ने आज यहाँ पर दे दिया है। सर, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा, आप लगातार यहाँ मसूरी से विधायक हैं और लोकप्रिय विधायकों में से गिने जाते हैं, क्या लगता है पिछले 2017 में जो आंकड़े से बहुमत से आप विधानसभा पहुँचे थे उसको डबल करने की कोशिश इस बार की जाएगी? मेरे क्षेत्र की जनता ने मेरे कार्यकर्ताओं ने भरोसा दिलाया है कि इस बार जो है 21,000 से अधिक वोटों से हम इसको जीतेंगे और आज के दृश्य ने साबित भी कर दिया। सर, एक आखिरी सवाल और कि क्या वो मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और कौन से मुद्दे वो हैं जो अभी तक छूट गए हैं जो मसूरी की जनता चाहती है? देखिए, मैं अपने जितने भी वायदे से लगभग 2-4 छोड़कर पूरा कर चुका हूँ। एक किस कैंट में एक शिविर का निर्माण, गढ़ी कैंट के अंदर मसूरी के अंदर भिड़ाड़ू स्टेडियम और क्यारा धनोटी मार्ग, ये करना मेरी प्राथमिकता रहेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार बनेगी, इनको हम पूरा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ गणेश जोशी, जिन्होंने बताया कि यदि उनको एक बार फिर विधानसभा पहुंचाया जाता है तो जो उनके बचे हुए काम हैं उन कामों को वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सागर बिस्ट के साथ मैं सुभाष कौर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, देहरादून।